बिसम आबादगार साथियों अस्सलाम अलैक् दोस्तों आज हमारे साथ अरेस्टा लाइफ साइंस ये जो कंपनी है आजकल तो इसका नाम शायद चेंज हो गया है तो उनके जो नुमाइंदे हैं यहाँ शबीर सिंह शाह सांगड़ के वो यहाँ हमारे पास अब्बास फार्म पर आए हुए हैं तो आजकल जो भी हम वीडियो बना रहे हैं या अपने दूसरे जो भी दोस्त एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं वो आपको बता रहे होंगे कि आप सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज़मीनों का जो पीएच लेवल या खाराण पद है वो ज़्यादा हो गई है वाटर टेबल ऊपर हो गई है और अक्सर करें आपने देखी होगी कि गंद में जो हमने लगा दी हैं फसल उग भी गया है उसके बाद वो उनमें जलन हो रही है वो जल रही है तो हमने पहले भी आपको कहा था कि आप बेसल डोज में भी इसका इस्तेमाल करें लेकिन बेहतर अगर उन्होंने जिन दोस्तों ने नहीं किया तो आपको बता दें कि सल्फ़र का कॉम्बिनेशन जो है वो यूरिया के साथ बहुत अच्छा होता है हमने तो सारे आबाद फार्म पर लगाया है और ख़ास तौर पर जो भी लोग ये पूछते हैं हमें व्हाट्सअप पे या मैसेंजर पे या काले करते हैं कि कौन सा सल्फ़र लगाए तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि सबसे अच्छी वाला सल्फ़र जो ये ये अरेस्टा कंपनी के पास है ये भी डब्ल्यू जी फार्मोलेशन में है एटी परसेंट और बेहतरीन इसकी रिज़ल्ट है जो भी सल्फर आपको मार्केट में कंपनीज के मिलेंगे उनमें से तो इनकी जो रिकमेंडेशन डोज है तो गवर्नमेंट आप पंजाब की या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की आप देखें तो छः से आठ के जी एक साल में देना है फिर आप ये एक टाइम भी दे सकते हैं या इसको आप डिवाइड कर दें जैसे हम तो ऐसे करते हैं कि गंदम में दो किलो पहले डाल दिया बेसल डोज में तो दो किलो बाद में डालेंगे इस तरह चार किलो दे देंगे या वो काटना आएगी तो उसमें भी चार किलो देंगे तो ज़्यादातर मोलूत के लिए हम साई से पूछते हैं सही आप बताएं कि इसकी फार्मूलेशन क्या है दोस्तों को और ये किधर का बना हुआ है ये किस कंपनी यानी कंपनी तो अरेस्टा है तो दूसरे जो सल्फ़र मार्केट में मौजूद हैं उनमें और इनमें क्या फ़र्क है कोई असल सर तो मेरा नाम सैयद शबील हसन है और मैं रिश्ता लाइफ साइंस पाकिस्तान में एज ए ट्रेरिटी मैनेजर काम करता हूँ सांगड़ में तो आज से हम फार्म पे आए हैं शजादपुर में साई मोहम्मद खान वसान साहब के पास तो यहाँ पे हमने अपना सल्फ़र इनको इस्तेमाल करवाया तो उसी हवाले से आए थे मैंने कहा साइंस से मुलाकात भी करें और पूछें कि इनके पास रिजल्ट कैसा है इसका तो सर ये डब्ल्यू जी है हमारी और ये रिश्ता लाइफ साइंस का हमारे अपने प्लांट का सल्फ़र है और माइक्रोथियोल डिस्पर्स टेक्नोलॉजी है ये ठीक है माइक्रो थियोल डिस्पर्स टेक्नोलॉजी है ठीक है और ये जर्मनी से हमारा आता है सल्फ़र और सर इस टाइम पे देखें आपने देखा होगा बारिशें हुई हैं बहुत और अक्सर ज़मीनों में पानी खड़ा रहा है तो हमारे यहाँ जो ज़मीन है ज़्यादा आपको पता है कि पी लेवल वैसे ही हाई है ठीक है तो उसके हवाले से हमने ये सब ज़मींदारों को रिकमेंड किया था कि भाई आप जो हैं दो किलो सल्फ़र अपनी ज़मीन को दें तो उसमें यह है कि अक्सर ज़मींदार हैं जैसे साई वाले हैं जो कुछ डी के साथ देते हैं स्टार्टिंग में ठीक है उसके बाद लगाने पर जब पहला पानी आता है यूरिया के साथ तो जो बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं अगर आप उसको डी के साथ देंगे तो वो भी बेस्ट है लेकिन अगर आप यूरिया के साथ इसको देंगे तो उससे आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे तो सल्फर एक्चुअल ज़मीन को देना जरूरी क्यों है सल्फ़र के वाले से हम बात करेंगे कि सल्फर इस टाइम सर देखें ये पी लेवल आपकी डाउन करेगा तो जब पी लेवल अगर आपकी ज़मीन की डाउन होगी तो आपकी जो खाद ज़मीन के अंदर मौजूद होती है ये उसको यूटिलाइज़ करवाता है इस्तेमाल करवाता है और जब पी लेवल डाउन होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी जब नमकियात आपकी ज़मीन के नीचे डाउन हो जाएंगी तो जारी बात है ऑटोमेटिक फसल आपकी अच्छी होगी आपकी जर्मिनेशन अच्छी होगी तो हम यही ज़मींदारों को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो है पहले यूरिया के साथ दो किलो सल्फ़र लाजमी मिक्स करवाएं जिससे ताकि आपकी फसल अच्छी हो ग्रोथ अच्छी हो आपकी दोस्तों ये आपने देखा होगा कि तीन चार साल से बहुत अच्छा ट्रेंड माइक्रोन्यूटन्स के बारे में चल गया है काफ़ी दोस्त जो हैं हमारे प्रागेश ज़मींदार या आम तौर पे या हम जो वीडियोस बनाते हैं उनमें भी आपको ये बताते हैं कि आप ज़मीन के ज़मीन की, की जरखेज़ी को बहाल करें इनके लिए ये सल्फ़र है हिमिक एसिड है या आपके और जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं तो वो चीज़ें लाजमी लगानी चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनके जो फ़वाद हैं वो बहुत बड़े हैं तो गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए या दूसरे जो आपके किराप हैं तो उनके लिए सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करें और ये आपको बता दें कि यह फंजी साइड भी है जो भी फंगस की बीमारियाँ ज़मीन में होती हैं या आपके किराप को लगती हैं ये आप इस्प्रे भी कर सकते हैं यानी फंजी साइड चीज़ है तो ये बेहतर पैदावार देगा तो सब दोस्तों को मेरी यही गुजारिश होगी कि जो भी मेरे से ये सवाल करते हैं कि आप कौन सा सल्फर लगाएँ तो आप ये अरेस्टा लाइफ साइंस का सल्फ़र जो है अच्छा है और इसकी ये 25 के जी का थैला तकरीबन चौदह हज़ार तक मार्केट में मिलता है यानी पाँच सौ साढ़े पाँच सौ से लेकर पाँच सौ साठ रुपये तक इस पर के जी है आप दो किलो तीन किलो यानी चार किलो तक आप गंदम में लगा सकते हैं और इन शाह तक बेहतरीन पैदावार होगी आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी